मामा आयो चाची ले आए गु तेरो मामा आयो हां यही टाइम मिलियो वा सारे आने के नहीं हां ओ जो कर रही है दवाई कैसे जा रही हूं गजब कर रोकियो रे रोकियो छोरा आ जाओ ले पकड़ियो यार दो बहन आए हां दो बहन वाह मेरी दो बहन दोबेन कान ने बक साड़ी चढ़ाई गुलाब धोबी बड़ा खुश हो गया धोबीन को देख करके भूख प्यास सब मिट गई उसकी ओ धोबी की धोबे धोबी की आज मोई बहुत जोर से रिसा रही तो पे हाँ तू रोटी लेके नहीं आई सुबह ते देख दोपहर है गो और दे हमें बहुत जोर से भूख लग गई है और तू हमें भोजन करा पहले एक बात बता सिलेंडर तो बीत गया सिलेंडर और जो लकड़ी थी ना सिलेंडर वो पानी से गीली आ गई सिलेंडर खत्म खत्म तो मेरे स्टोव पे चला ले अब तुम्हारा स्टोव भी लुप 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 करता है वो भी सही जलता नहीं है मट्टी का तेल भी बंद हो गया बहुत पुराना हो गया तुम्हारा तो कोई ईटन कोई चूलो धर के बना ले जितनी हवा डालती है उसमें उतनी सारी हवा निकल जाती है हवा भी फैल फैल दोबे काला ये तू पहले तो जो बता मैं तुम्हारे लिए गरम गरम आलू के पराठे और कचौरी लेके आई हूँ आलू के देसी घी के और क्या पराठे आए हाय धोबे आज तो बड़ी चमकनी भबकनी बन के आई है लिट पिट लगा के आई है और देख आए हाय आज तो न्यो बता तू बड़ी भबकनी बन के आई है आज का कारण है आज का कारण है तू बता का कारण तू इतना खुशी है रहे तू ना पर पहले तो वो खबा जाए जब बताऊंगा दो मिनट या मैं काला ये पराठे और क्या आलू के आलू के आ जाओ भैया जो हमारे भैया बिरादरी हो वे आ जाओ भैया पराठे खा ले कपड़ा धोते धोते थक गए केदार दद्दा जी आ जाओ दद्दा जी केदार दद्दा जी आ जाइए तुम्हारी बहू पराठे लाई है कहाँ है केदार जी भेजो उनको आगे बैठे दादा जी आ जाओ तुम्हारी बहू लाई है पराठे धोबी के धोबे थोड़ा ध्यान से ओहो घी टपक रहे हैं हमें घी टपक रहा है धोबे क्यों बता अरे बड़े इंतजाम के लाई है और क्या और सुर धोबी के धोबे बड़ो लाड करे एक 11 दिन के कार्यक्रम के पूरे कपड़ा गंदे है गए ये ना धो दी तो ये का चीज है ये का है बड़ो इंतजाम करके लेगा है लेगा या मैं तो बैठे बुक थी आ रही हां हां खराब आ रही है या मैं तो डब्बा भी काज लाई है तो पे अपने पेटी कोट ये ले आई है आ जाओ हमारे भैया बिरादरी होए वे आ जाओ भोजन कर लियो आ जाओ बाबा आप भी आ जाओ भैया आ जाओ परामटे ने इंतजाम दिलाई है जीना टपक जाए जी टपक रहो भैया आ जाओ भैया हमारे भैया बिरादरी हो हरि बोल सौंप ज्यादा गिर रही है भैया सौंपेगी और बचू ने हाथनते बनाए या पामनते हाथनते ही बनाई है हैं और का सुन दो बे अर पतरी रोटी ढिंग मोटी या धुबिया कसम कू ये रोटी योरा हां पतरी रोटी ढिंग मोटी या धुबिया कसम कू
बड़ो प्रसन्न हूँ। कहा बात है? देख, आज महाराज कंस के आ रहे दुश्मन। अच्छा, मैं आज उनको मारूंगा तो महाराज कंस मुझे मथुरापुरी का आधा राज इनाम में मिला है, मैं राजा बन जाऊंगा। आधा राज मिल गया? मिल गया। अभी अभी नहीं, बच्चों को मारूंगा। जाओ, बच्चों को मारूंगा जब राज मिलेगा तो मैं राजा हो जाऊंगा और तू रानी हो जाएगी। जो हमारा बेटा फतुआ है वो राजकुमार हो जाएगा और गधा हाथी हो जाएगा। एक बात बता धोबी के, तू राजा है जाएगा, बेटा फतुआ राजकुमार है जाएगा, लेकिन गधा हाथी कैसे हो जाएगा? अरे उसकी उसकी जगह हाथी बन जाएगा। अच्छा, तो धोबी आज मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। आज तुम मुझसे जो कुछ मांगेगी मैं सोई दूंगा। और तू ये बता कहाँ है के आई तू? मैं तो बाहर है के आई। अरे जा धोबिन, तेने गजब कर दिया। महाराज कंस ने धनुष यज्ञ का मेला लगाया है, उनके दुश्मन आ रहे हैं इस मेले को देखने के लिए। तो बता कितनी सुंदर मथुरापुरी सजवाई है और तू मथुरा के बाहर बार आई है। कोई बात नहीं है, आज तू मुझसे कुछ भी मांग ले मैं वो ही दूंगा। जो कुछ मांगूंगी देगा? कुछ भी मांग ले, नीचे से ऊपर। हर मेरी सुन ली जो भरतार, हर नथली सोने की गड़बैयो। मेरी सुन ली जो भरतार, नथली सोने की गड़बैयो। हो तेरी सुन ली जो भरतार, नथली सोने की गड़बैयो। और सोने की गड़बैयो, नथली सोने की गड़बैयो। और सोने की गड़बैयो, नथली सोने की गड़बैयो। मेरी सुन ली जो भरतार, नथली सोने की गड़बैयो। मेरी सुन ली जो भरतार, नथली सोने की गड़बैयो। बनारस गईयो, बहुत अच्छी साड़ी लईयो। बनारस गईयो, बहुत अच्छी साड़ी लईयो। तुम शहर बनारस गईयो, बहुत अच्छी साड़ी लईयो। शहर बनारस गईयो, बहुत अच्छी साड़ी लाऊं। और पहरईयो अपने हाथ नथली सोने की गड़बैयो। और सुनो, वाह मेरी बात तो सुनो। सुनाइए, एक बात बताओ। इतने दिन से मेला लग रहा है, तुमने ना तो मुझे शॉपिंग कराई और ना झूला झुलवाया। देखो झूला चल रहा है।
अब शॉपिंग करेगी और क्या, वैसे समय हो गया, आप क्या शॉपिंग करेगी? झूला तो झुला देते। हाँ ट्रेन आ रही है, ट्रेन में झुलाऊंगा। तो वादा करो फिर झुलाओगे अगली बार? भाई तेरी मम्मी की कसम जरूर झुलाऊंगा। सही बात है, जब विश्वास होगा इसकी मम्मी की खाऊंगा। ठीक है धोबी के, एक बात बता। मैंने सुना है जो कृष्ण बलराम है ना, वो परम ब्रह्म परमात्मा है। तो हम तो काव की आत्मा है। अच्छा सुन धोबी के, वो है ना त्रिभुवन पति हैं। तो हम भी तो तेरे पति हैं और तेरो ससुर बैठो केदार। तू अन्ने को शर्म ना आ रही भाई के सामने बोल रही है, घूमता तो कर ले। तेरो ससुर बैठो सामने। सुन धोबी के, वो पूर्ण ब्रह्म अविनाशी हैं। तो हम कौन से सत्यानाशी हैं? एक बात बता दूं, अगर कछु तुझे हो गया तो फिर ये बता मैं क्या करूंगी? भाई गजब है, ये तो बहुत चक्कर पर भाई। देख वैसे तो मुझको कुछ नहीं होगा, वैसे तो मैं मार दूंगा, पर देख यदि कर्म करके मैं मर गया, वैसे मरूंगा ना। सुन तो, हाँ खुदा खास्ता, खुदा खास्ता अगर तुझे कुछ हो गया मर गया तो देख मैं कहाँ जाऊंगी? वैसे मैं मरूंगा ना, यदि मैं मर गो तो देख वो है ना कौन दही वीडियो बना रहा हूँ या ये कर लीजो। अरे तू वीडियो बनानो सिखा देगो, ढंग से बनाए करोगे रोज तेरी, और फोटो खींचेगो तेरी फोटो मोना खिंचवाना फोटो या क्या जो सुना फोटो। ए फटावा, एक फटावा ली ले ली, ये देख तो रोज वीडियो बनानो सिखा देगो। हाँ दो बिन एक बता दो, जा जा, 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 जा। और कछु चाहिए तो ले ले। तो प्यारे इस प्रकार से सुन, ओए ओ बेटा फतुआ, भैया सुनो, भैया सुनो, ब्याजी कपड़ान पे प्रेस करना सिखा देता हूँ। हाँ सिखा दो। देखो भैया सभी सीख लेना, आज ही बताऊंगा। मेरा फोन नंबर याद रखें सभी, 94 32 तमाम 036 है। फूफा फोटो वाला, ये तो लोकल है, ओरिजिनल हमें, ओरिजिनल फोटो वाले हमें 35 तारीख को मिलेगा अगली साल। ये देखो प्रेस करना, अपने को ऐसे बिछाया, प्रेस गरम हो गई है और प्रेस करना शुरू हो गया। देख ले भैया सीख लीजिए प्रेस करना। बताओ प्रेस करना नहीं आता? धोबी का बेटा है, अब बेटा आ जा। ओ ग्वालन सहित गए तीह पाहे, ग्वालन सहित गए कहाँ कछु अंबर हम चाहे। भगवान गए कृष्ण बलराम। अरे भैया कन्हैया, हम अपने मामा कंसो मिलने जा रहे हैं, पर हम पे अच्छे अच्छे वस्त्र ना है भैया। भैया आगे कोई धोबी को मिलेगा तो आपको वस्त्र दिलवा दूंगा भैया। चलो देख भैया, लाला ये महाराजगंज के दुश्मन, पर हम क्या मतलब है, हमसे बात करेंगे जब इनसे बात करेंगे, ठीक है? हमें कोई मतलब नहीं। अरे भैया धोबी के, किसी और से बात कर रहे हैं। ओ धोबी के, हमसे नहीं कह रहे। अरे भैया तुमसे ही कह रहे धोबी के। हमसे कह रहे हो? क्या कह रहे हो दोबारा से बोलो। धोबी के, तू धोबी, तेरा बाप धोबी, तेरे घर के धोबी, हमसे धोबी कहता। अरे भैया तू कपड़ा ज्यादा बात।